Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Hyderabad Tadka. I am your cooking expert Safiya. फिर एक नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं. आज हम बनाएंगे हैदराबाद की फेमस डिशें तहारी. तहारी के लिए चाहिए, पहले तो आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक. ईद लगा बहुत बहुत मुबारक. अल्लाह आप सबको अच्छा रखे. इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो गोश्त और 2 बिग साइज लार्ज साइज ऑनियंस ली मैं, उसको चॉप कर ली इस तरह चॉप के. और 1 कप दही चाहिए, हसबे जायका नमक चाहिए. इसके लिए टमाटे चाहिए, 2 मीडियम साइज टमाटे ली मैं, उसका रफली चॉप की. और 1 कप मटर चाहिए, मैं फ्रोजन ली, आप फ्रेश भी ले सकते. कोरिएंडर लीव्स है, मिंट लीव्स है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून. मैं ज़्यादा रेड चिली यूज़ नहीं करती हूँ, ये ग्रीन चिल्ली में बहुत टेस्टी बनेगा और आपको कलर भी अच्छा आएगा. और गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, और बे लीव्स चाहिए 3, तेल चाहिए 1 कप. और 1 किलो मटन के लिए मैं 1 किलो चावल ली, बासमती राइस है, इसको मैं 20 मिनट्स के लिए वॉश करके सोक करके रखी, पानी मैं ड्रेन के दिया. और आलू चाहिए, 2 लार्ज साइज पोटैटोस ली मैं, उसको बिग साइज में काट के रखी. इसको हम मैरिनेट करके गोश्त को 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे. फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, ऊपर भी ऐसे रख दे सकते हैं. अभी मैं इसको मैरिनेशन करूँगी. ये बहुत टेस्टी बनने वाली डिश है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा. अभी इसको मैं मैरिनेशन कर रही हूँ. अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी, दही डाल रही हूँ, आप इसके गोश्त के अलावा आप तरकारी से भी बना सकते हैं, आलू मटर फ्रेंच बीन्स इससे भी बना सकते हैं आप. बहुत टेस्टी बनने वाली डिश है. हल्दी डाल दिया, रेड चिली पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं, आप चाहे तो होल गरम मसाला भी डाल सकते हैं. इसको मैं मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देते हैं. इसके बाद के नमक भी डाल दें. नमक हमेशा चेक के डालिए. मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई करके निकालूंगी, हमेशा आलू को फ्राई करके निकालें, इससे गैसेस नहीं होंगे. थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी. देखिए मैंने आलू फ्राई करके इस तरह निकाल ली है, अभी इस तरह ही कर लूँगा. अभी हम इसमें, हमारा तेल गर्म है, मैं ऑनियन डाल दूँगा. ऑनियन अच्छा गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये मैरिनेटेड मटन डाल देंगे. ये प्याज का कलर चेंज हुआ है, अभी तेज पत्ते डालें, हरी मिर्ची भी डाल देंगे. और लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाल रहे, तो आप हरी मिर्च का तेज़ बढ़ा सकते हैं. चलिए अभी मैरिनेटेड मटन डाल रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा पानी से मैं वॉश करके डाल दूँ. देखिए टमाटर डाल रहे मैं, मटर भी डाल दे रही. हरा धनिया, पुदीना,
चावल डाल दिए मैंने, अभी ये आलू डाल रही हूँ इसके ऊपर। देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है, अभी मैं इसमें राइस डाल दूँगी। इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इसके बाद के प्रोसीजर आप देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये कम हो चुका है, पक चुका है, अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स हमारा हैदराबादी तहारी बनके टेबल पे तैयार हो चुकी है, टेबल पे आ चुकी है। इसको रायता के साथ आप सर्व कर सकते हैं, और मिर्चों का सालन है, बगैर बैंगन है, इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप ग्रीन चिल्ली स्लिट करके डालिएगा और लाल मिर्च डालें पाउडर, तो वो एक किस्म की एक कलर आ जाता है, ब्लैकिश कलर आ जाता, इसलिए मैं ग्रीन चिल्ली स्लिट करके डाली। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, प्यार बांटिएगा, प्यार से रहिएगा, और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन एक्टिवेट करना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी डिशेस अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। योर कुकिंग एक्सपर्ट सफिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम हैदराबादी तड़का, फिर एक नई डिश के साथ दोबारा हाजिर होंगे, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल, बेल आइकन एक्टिवेट करिए, थैंक यू।